Dear student of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 10, Force, Work and Energy of your EVS book. In the last lecture, I explained you about force and its types. Now I am explaining you about work. Work kya hota hai? When you use force to move an object, you do work. Pushing a chair is easy, but pushing a cupboard is difficult. You need more force to move the cupboard. So you do more work to move a cupboard than moving a chair. देखो work क्या होता है, जब भी हम किसी भी object के ऊपर force लगाते हैं तो वो object move करता है. वो object move किया इसका मतलब हमारा कुछ work हो गया, हमने कुछ काम कर दिया. ठीक है, जैसे slide में photo में देखो, एक लड़का जो है वो chair को push कर रहा है. ठीक है, मतलब वो चेयर को मूव करा रहा है तो उसने कुछ काम किया. अब दूसरे बॉय को देखो, वो पूरे के पूरे अलमीरा जो कि लकड़ी की बनी हुई अलमीरा है, ठीक है, कबर्ड, उसको जो है वो मूव करा रहा है, पुश कर रहा है. ठीक है, तो अगर वो बॉडी मूव कर जाती है तो इट मीन्स उसने भी कुछ काम किया. ठीक है, ही हैज डन सम वर्क. अब दोनों के वर्क में क्या डिफरेंस है, चेयर को हिलाना आसान है या पूरे के पूरे कबर्ड को हिलाना आसान है? तो आप ऑटोमेटिकली बोलोगे कि पूरे के पूरे कबर्ड को हिलाना मुश्किल है. क्यों? क्योंकि कबर्ड में जो है आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट. ठीक है, चेयर में क्या होता है, आप हल्का सा पाँव से भी हिला देते हो या हैंड यूज़ कर लेते हो तो वो पुश हो जाती है. लेकिन कबर्ड जो होता है वो हैवी होता है, ठीक है, और बड़ा होता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ज़्यादा हैवी होने की वजह से उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी उसे मूव करने के लिए. ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑटोमेटिकली यू हैव डन मोर वर्क. तो कबर्ड को हिलाने में आपने ज़्यादा काम किया है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब है ज़्यादा काम करना, कम फोर्स लगाने का मतलब है कम काम करना. ठीक है, जैसे अगर आपके पास दो बॉक्सेस हैं, एक खाली है एक भरा हुआ है. ठीक है, फ्लोर के ऊपर दोनों रखे हुए हैं, मम्मी ने बोला दोनों बॉक्सेस को साइड पे लगा दो. अब जो खाली बॉक्स है उसको तो फटाफट हिला के साइड पे लगा लोगे, और जो हैवी बॉक्स है उसको हिलाने में बहुत फोर्स लगेगी. लगाते रहोगे और फिर कहीं जाके वो साइड पे होगा. तो इट मीन्स जहाँ ज़्यादा फोर्स लगती है वहाँ ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा वर्क. The force required to stop or move the object directly depends upon the weight of the object. ठीक है, तो जब आप कोई फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कराने में या मूव कराने में, ठीक है, तो आपको जो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स लगेगी. ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो या स्टॉप करा रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने या स्टॉप कराने में आपको कितनी फोर्स लगेगी ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर. अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने में. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको बॉक्सेस का, ठीक है, जो जितना ज़्यादा हैवी होगा उसको मूव कराने में उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी, मतलब वहाँ पर उतना ही ज़्यादा वर्क होगा. इट डिपेंड्स अपॉन देयर वेट. ठीक है, अ मशीन और टूल विच हेल्प अस टू डू वर्क बाय अप्लाइंग अ वेरी लेस फोर्स इज कॉल्ड सिंपल मशीन. इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द वर्क. देखो पहली चीज तो ये है कि आप अपनी मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हो और किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो. ऑब्जेक्ट को मूव करा के आप वो डिपेंड कर रहे हैं कि कितनी फोर्स लग रही है, वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना, मतलब वेट कितना है. ठीक है, मोर वेट मतलब मोर फोर्स, और मोर फोर्स मतलब मोर वर्क इज डन. अब अगर हमने अपने काम को आसान बनाना है, हम ये चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए और हमें कम फोर्स लगानी पड़े, तो हम क्या करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि मेरा वो काम जल्दी भी हो जाए और आसानी से भी हो जाए, मुझे कम फोर्स लगानी पड़े. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल मशीन. तो वो मशीन या वो टूल जो मेरे काम को आसान बना दे, जिससे मुझे लेस फोर्स लगानी पड़े, वो उस मशीन या उस टूल को बोलते हैं सिंपल मशीन. जिससे क्या होता है, स्पीड ऑफ वर्क बढ़ जाता है, मतलब काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है, काम जल्दी भी हो जाता है और कम फोर्स लगती है. तो अब हम इस चीज़ को सीखेंगे कि व्हाट आर सिंपल मशीन.
देखो जैसे ये स्लाइड के अंदर फोटो देखो, इसमें क्या है, एक वुमन जो है वो वेल से पानी निकाल रही है, पुश पुल कर रही है, ठीक है। अब उसमें क्या लगी हुई है, ऊपर देखो पुली लगी हुई है, पुली के ऊपर आपकी रोप जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। अब अगर ये पुली ना हो और सिंपल वो रोप यूज़ करे और उसे जो है वो बकेट से उसने बांध दिया और बकेट को उसने डाल दिया वेल के अंदर, कुएं के अंदर, और पानी खींचेगी तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब उसने पुली लगा दी तो पुली के ऊपर क्या होगी, वो जो आपकी रस्सी है, जो आपकी रोप है, वो मूव करेगी क्विकली, तो उससे क्या होगा, उस पुली की हेल्प से उस बकेट को खींचना आसान हो जाएगा, पुल करना आसान हो जाएगा। मीन्स दिस पुली इज द मशीन दैट मेक्स द वर्क इजियर। तो इस तरह से जो टूल या जो मशीन का इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ को आसान बना देते हैं, किसी काम को आसान बना देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी, हमें लेस फोर्स लगाते हुए हमारा काम क्विकली हो जाता है, स्पीड ऑफ वर्क मेरा बढ़ जाता है और मेरा काम आसानी से हो जाता है कम फोर्स लगा के। तो इस वूमन ने जब पुली की हेल्प से कुएं में से पानी को खींचा, बकेट को भरी हुई बाल्टी को खींचा, तो वो खींचना उसके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि पुली से ये रस्सी क्विकली मूव करेगी और उसे कम फोर्स लगानी पड़ेगी उस बकेट को खींचने में, बाहर निकालने में। तो दैट इज़ अ मशीन विच मेक द वर्क इजियर। अब व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, आपका वर्क कंप्लीट हो गया, फोर्स भी कंप्लीट हो गया था, अब हम आपको बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। वी नीड एनर्जी टू रन, टू प्ले और टू पुश अ चेयर। अ कार नीड्स एनर्जी टू मूव, विंड नीड्स एनर्जी टू मेक ट्रीज अप स्वे। एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज मैटर। कुकिंग ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। चेंजिंग वाटर टू वाटर वेपर्स नीड्स एनर्जी। देखो सबसे पहले हम करेंगे कि एनर्जी होती क्या है, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी हमारे अंदर वो एबिलिटी है जो हमसे काम कराती है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी है उतना ही काम होता है, ठीक है। हम रन करते हैं, प्ले करते हैं, चेयर को पुश करते हैं, पुल करते हैं, दे ऑल नीड एनर्जी, ठीक है। हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, जब हम सारे काम करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है जो हम फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। ऐसे ही कार के, कार जो मूव करती है, कार बिना एनर्जी के मूव नहीं कर सकती। पापा से पूछना कार के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है जिससे कार मूव करती है, स्कूटर के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है जो वो स्कूटी मूव करती है, उसके अंदर हम पेट्रोल भरते हैं, ठीक है। पेट्रोल, वो पेट्रोल जब बर्न होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है जिससे कार, स्कूटर, स्कूटी सब रन करती है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब हम फूड इनटेक करते हैं ना, वो फूड भी बर्न होता है टू रिलीज एनर्जी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी काम करती है। मतलब हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह ही है, अगर उसमें फूड डालोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तब काम होगा, ठीक है। अब इसी तरह से जब हमारा कोई मैटर चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है हमारा मैटर, तो भी एनर्जी चाहिए। जैसे आपकी मम्मा कुकिंग करती है तो कुकिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए। कैसे, अगर आपके घर में एक दिन सिलेंडर ना हो, सिलेंडर ख़त्म हो गया, नया सिलेंडर नहीं आया, ठीक है, उसके अंदर गैस भरी होती है ना, वो सिलेंडर वाले भैया जो हैं आपके घर में सिलेंडर दे के जाते हैं, खाली वाला सिलेंडर ले जाते हैं, भरे वाला दे जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, LPG गैस होती है ना। अगर वो गैस ख़त्म हो जाती है, आपके घर में वो गैस नहीं है, तो आपके घर में कुकिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो कुकिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो आपकी मम्मी आटा डो बनाएगी और उसकी चपाती बनाएगी, उसको जब गैस पे डालेगी, कुक करेगी, तभी कुकिंग कंप्लीट होगी, सब्जी बनेगी। तो यू रिक्वायर्ड LPG गैस विच गिव्स अस एनर्जी टू कुक द मैटर। मतलब मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो, जब आपका वाटर वाटर पेपर में कन्वर्ट होता है तो भी एनर्जी चाहिए। आपकी मम्मी ने कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, ठीक है, वॉश किए
और ड्राई करने के लिए उन्हें हैंग कर दिया। अब एक दिन क्या हो गया, आपका क्लाउडी डे है, क्लाउडी डे मतलब बादल है स्काई में, सन नहीं निकला, तो क्या होगा, वो कपड़े जल्दी से नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जो आपके वाटर प्रेजेंट है कपड़ों के अंदर, वो पानी जो होगा वो वेपोराइज नहीं हो पाएगा, इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, एयर का पार्ट नहीं बनेगा, तो वो कपड़े नहीं सूखेंगे, क्योंकि सन वो एनर्जी देता है जिसकी वजह से वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं, और वो जो पानी होता है वो एयर का पार्ट बन जाता है, तो उसके लिए सन एनर्जी चाहिए। तो कोई भी काम जो होता है बेटा, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। तो जितनी हमारे अंदर एबिलिटी होगी, हमारी बॉडी जितनी अंदर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी, हम उतना ही काम करते हैं। एनर्जी अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। सम इम्पोर्टेंट वंस आर एज फॉलोस, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। आप उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म्स कौन सी हैं आपकी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। अब इन सब एनर्जीज को हम वन बाय वन रीड करेंगे। फर्स्ट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सन जो है वो हमारा नेचुरल सोर्स तो है ही है, सबसे बड़ा सोर्स भी है। अगर हम सबसे बड़े सोर्स की बात करें, लार्जेस्ट सोर्स की बात करें, या फिर नेचुरल की बने, नेचुरल मतलब जो गॉड गिफ्टेड है, तो सन है। सन से ज़्यादा एनर्जी हमें कोई नहीं दे सकता, ना तो कोई आर्टिफिशियल सोर्स दे सकता है, ना ही कोई अदर नेचुरल सोर्स दे सकता है। वी कैन गेट हीट एनर्जी बाय बर्निंग फ्यूल सच एज वुड, गैस, पेट्रोल एंड कोल। हीट एनर्जी इज़ यूज टू कुक फूड एंड टू रन व्हीकल एंड स्टीम इंजन्स। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई स्कूटर है, कोई कार है, ठीक है, तो वो कैसे रन करती है, पेट्रोल से। अब वो पेट्रोल जो होगा वो उस व्हीकल के अंदर जब बर्न करेगा तो उसके अंदर एनर्जी जनरेट होगी, जिसकी वजह से वो व्हीकल मूव कर सकता है। ऐसे ही आपके घरों में LPG गैस आएगी तो आप कुकिंग करोगे। कुकिंग तभी होगी जब LPG गैस घर पे होगी, सिलेंडर घर पे होगा, ठीक है। तो कुकिंग द फूड, रनिंग अ व्हीकल, ठीक है, एंड रनिंग अ स्टीम इंजन। सबको क्या चाहिए, स्टीम इंजन की हेल्प से आपकी अलग अलग चीज़ें चलती हैं, है ना। जैसे पहले जो है वो हमारी जो रेल थी, ठीक है, वो भी स्टीम इंजन पे चला करती थी, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिकल हो गई है। तो इस तरह से स्टीम इंजन पे और भी कई चीज़ें हैं जो रन कर सकती हैं। तो स्टीम इंजन में क्या होता है, वाटर जो होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और वो स्टीम जो होती है, स्टीम किसको बोलते हैं, वाटर वेपर को, ठीक है। वो स्टीम जो होती है उस इंजन को मूव कराती है, जिससे वो चीज़ रन करती है। अब ये सारी चीज़ों को रन करने के लिए अलग अलग फ्यूल्स होते हैं। ये फ्यूल आपका वुड भी हो सकता है, आपकी कोई LPG गैस भी हो सकती है, CNG गैस भी हो सकती है, पेट्रोल भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है। तो दीज आर नोन एज फ्यूल्स। वो फ्यूल बर्न करेगा तभी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी से वो बॉडी जो होगी वो काम करेगी, ठीक है। कुकिंग करनी है तो हीट एनर्जी मस्ट है, अभी बताया है। तो हीट एनर्जी जो है वो आपका सन तो लार्जेस्ट सोर्स है, लेकिन घर में जो कुकिंग होती है वो तो आपकी LPG गैस से होती है, ठीक है। सन इज़ द नेचुरल एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। हमारी बॉडी में भी हीट की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को हीट कौन देता है, सन देता है। प्लांट्स को हीट कौन देता है, सन देता है। प्लांट क्या बिना हीट के ग्रो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे उनका फूड बनता है और हम प्लांट को खाते हैं। तो अगर सन नहीं होगा तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, ठीक है। और बिना प्लांट्स के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक। अब फूड कहाँ से मिलती है, फूड भी तो प्लांट से मिलती है, ठीक है। तो बेटा दीज आर नोन एज फ्यूल्स। फ्यूल वो चीज़ होती है जिसको बर्न करके हमारी एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। वुड बर्न करते हो तो भी हीट रिलीज होती है, गैस बर्न करते हो तो भी हीट रिलीज होती है,
तो दीज आर नोन एज फ्यूल्स, और उन फ्यूल से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम कुकिंग भी करते हैं, व्हीकल्स भी रन करते हैं. ओके, सोलर एनर्जी. द एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. अब अभी हमने बताया सन से हमें हीट मिलती है. आप कहोगे मैडम अभी तो कह रही थी कि सन से हीट मिलती है, आप कह रहे हो सोलर एनर्जी मिलती है. बेटा सन हीट तो देता है लेकिन किस फॉर्म में देता है? वो सोलर एनर्जी की फॉर्म में हमें हीट देता है. ठीक है, सोलर एनर्जी का मतलब है सन से जो आ रही रेज है, सन जो हमें रेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो उससे क्या होता है, कोई भी चीज़ गर्म हो जाती है ना. जैसे आप सन की प्रेजेंस में अगर कोई भी चीज़ रख दोगे, सन निकला हुआ है, तो आपकी कोई भी चीज़ होगी वो हॉट अप हो जाएगी. सन की अलग अलग रेज है, ठीक है, तो जो सारी एनर्जी सन से मिल रही है वो तो हमारी पूरी की पूरी सोलर एनर्जी है. वो अलग अलग रेज की फॉर्म में हमें एनर्जी दे रहा है, उस पूरी एनर्जी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी. लेकिन वो हमें सन के साथ जो हमें वो रेज मिल रही हैं उसमें से कुछ रेज ऐसी हैं जो हमें हीट देती हैं, तो वो हीट एनर्जी भी है. ठीक है, तो प्लांट यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड. अब प्लांट सनलाइट को यूज़ करके अपना फूड बनाता है, ठीक है, और प्लांट जो फूड बनाते हैं उससे वो खुद भी ग्रो करते हैं, अपनी एनर्जी भी लेते हैं ग्रो करने की, है ना, और भी कई फंक्शंस के लिए. जैसे आप देखते हो प्लांट्स के अंदर बर्ड्स बनी, बर्ड से फ्लावर बने, फ्लावर से फ्रूट बना, तो वो भी किससे हुआ, सन की एनर्जी की वजह से हुआ, और सन के अंदर प्लांट की एनर्जी की वजह से हुआ. लेकिन प्लांट के अंदर एनर्जी कहाँ से आई, सन की एनर्जी से आई, क्योंकि सन ने हीट दी, सन ने लाइट दी, जिससे प्लांट ने अपना फूड बनाया और फिर अपने भी काम किए, अपने आप को भी ग्रो किया, अपने बॉडी पार्ट्स को भी ग्रो किया और हमें भी फूड दिया. और सोलर इक्विपमेंट्स लाइक सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, सोलर कैलकुलेटर एक्सेट्रा वर्क बाय यूजिंग सोलर एनर्जी. अब देखो आपके कई घरों में सोलर वाटर हीटर लगे होते हैं, आप पानी गर्म करके नहाते होगे सर्दियों में, विंटर्स में, विंटर्स आ गई हैं, तो आप कहते हो ना मम्मा हीटर ऑन कर दो, मम्मा गीज़र ऑन कर दो, ठीक है. तो हीटर जो है हमें हीट देता है जिसकी वजह से हमारा रूम गर्म हो जाता है. वाटर हीटर मतलब पानी को गर्म करने वाला हीटर, और सिंपल हीटर जो है वो आपके रूम को गर्म कर सकता है. तो ये सन की एनर्जी से काम करते हैं, लेकिन इनकी इनको सन की एनर्जी मिलना ज़रूरी है. मतलब ये इस तरह से ओपन एरिया में लगे होने चाहिए जिससे सन की एनर्जी को ये अब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है, और जिससे ये अपना काम करते हैं. मतलब उसके अंदर जो सोलर वाटर हीटर होता है उस वो इस तरह से आउटसाइड एरिया में लगा होता है, छत वगैरह पे, या इस तरह से होता है जिससे सन की हीट उसके ऊपर पड़े और वो पानी उसके अंदर से जो क्रॉस ओवर होता है उसको गर्म कर देता है, और वही टैप्स के थ्रू आपको मिल जाता है. ऐसे सोलर कुकर है वो आपकी कुकिंग कर सकता है, ठीक है, सन की हीट मिलनी ज़रूरी है उसको, ताकि उसके अंदर पड़ी हुई चीज़ कुक हो जाए. जैसे आपने उसके अंदर कोई दाल वगैरह डाली पानी के साथ, है ना, तो वो कुक हो जाएगी और आपकी वो चीज़ जो होगी वो रेडी हो जाएगी, कुक हो जाएगी. सोलर कैलकुलेटर, आप सोलर कैलकुलेटर लेकर अगर आप सन की हीट के नीचे बैठते हो तो आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है. लेकिन सन की हीट मिलनी उसको ज़रूरी है ताकि उसके अंदर पड़े हुए जो सेल्स हैं वो आपकी सन की एनर्जी यूज़ करके रन हो सके, और फिर आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी. तो सन की एनर्जी से ये सारी चीज़ें काम करती हैं, तो उस सारी एनर्जी को बोलते हैं सोलर एनर्जी. अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो सन की अलग अलग रेज को में भी यूज़ कर सकता है, ठीक है. हो सकता है जो प्लांट सन की हीट को यूज़ कर रहे हो वो ये सारे ऑब्जेक्ट ना कर रहे हो, दूसरे पार्ट को यूज़ कर रहे हो. देयर आर डिफरेंट रेज इन सन, जो आप इसको अलग जाके डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, आगे स्टडी कर पाओगे इन फर्दर क्लासेस. ओके बेटा, आज का लेक्चर आपका यहीं तक है, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है, रिटन प्रैक्टिस. लेक्चर को कम से कम 3-4 टाइम जरूर सुनना, ठीक है, रिटन प्रैक्टिस करना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे शेयर. ओके.